तो गाइस अभी पुलिस वालों ने हमें रोक लिया था। पिछले आधे घंटे से यहाँ पे कुछ पंगा हो गया है। यहाँ पर आपको फर्श में से भी जगह जगह से धुआं निकलता हुआ दिख जाएगा। ये देखिए जी, ऐसे आलू डालते हैं इसके अंदर, थोड़ी देर में उबल जाएंगे ये। तो हमारा मसाला रेडी है। बीच है तो अपन रहने वाले ही नहीं है भैया। जिधर से हम आ रहे हैं ये देखो पूरा काला हो चुका है और इतनी तेज बिजली चमक रही है देखो। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मणिकरण गुरुद्वारा साहिब के यहाँ पर हम कल रुके थे और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो दिखाते हैं आपको हमारी कैसे यहाँ पर सुबह हुई है और बहुत ही अच्छी नींद आई रात को। चेरी गुड मॉर्निंग, इधर देखो, इधर देख के बोलो, चलो चाय पी कराओ गरम गरम। तो यहाँ सुबह सुबह का प्रसाद हो रहा है लंगर में, थोड़ा बहुत खा के चाय पी ली हमने, चाय पी के, और यहाँ पर एक रोटी देते हैं अचार के साथ, वो खा के प्रसाद के रूप में, और यहाँ से निकलते हैं। और इधर देखिए जी, लंगर से जो सीन दिख रहा है बाहर का, वो सामने एंट्री रही जो कल आपको दिखाई थी, और नीचे पार्वती नदी अपने फुल रंग रूप पे उफान पर है देखिए। और ये पूरा लंगर है, यहाँ पर बर्तन खुद ही धोते हैं, ये देखिए पूरी सेवा कर रहे हैं सब। मणिकरण साहिब गुरुद्वारे के जस्ट बगल में है, मतलब यही से लंगर से दिखता है शिव मंदिर। यहाँ पर आप देखिए कुंड के अंदर खोलता हुआ पानी है, इसमें चावल उबल जाते हैं, इस लेवल का खोलता हुआ पानी है। वो आगे वाले में बहुत ज़्यादा है, देखो जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं ना, इसमें चावल पका के और प्रसाद बनाते हैं उसमें। अभी हमें पता चला है कि यहाँ से भी रास्ता है, ये देखिए ये रास्ता है, तो यहाँ से हम भोलेनाथ के दर्शन करेंगे और इधर से ही वापस आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ से भी कितनी तेज़ भाप आ रही है पानी की, ये देखिए ये सारा सल्फर का पानी होता है टेक्निकली अगर बात करें तो। और बाकी इसके पीछे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कथा है, ये देखो मटकों में सब में प्रसाद है, चावल बने हुए हैं, ये देखिए। ये देखिए जी कैसे उबल रहा पानी। भोलेनाथ की यहाँ पे काले कलर की मूर्ति है, प्रतिमा है, ये देखिए। तो यहाँ पर सिक्का डालने की मान्यता भी है, तो चिक्की भी एक सिक्का डाल रही है। डाल दो बेटा, वेरी गुड। तो यहाँ पर बोरी के अंदर आलू उबाल रहे शायद, पूछ लेगा। ये देखिए जी, ऐसे आलू डालते हैं इसके अंदर, थोड़ी देर में उबल जाएंगे ये। ये देखिए जी, देखिए सबने अपने अपने थोड़े थोड़े इसमें छोटे कुंड में चावल उबालने के लिए रखे हुए हैं, देखिए कैसे पानी उबल रहा है, उसके अंदर थोड़ी देर में चावल उबल के तैयार हो जाएंगे, उसका भोग लगेगा प्रसाद। तो आप जो ऊपर लंगर में जो खाना खाएंगे, इसमें एक में तो आलू है और एक में दाल है और चावल वगैरह सब इसी में पकते हैं। ये पूरा भोलेनाथ का मंदिर है जस्ट मणिकरण गुरुद्वारे के पड़ोस में मतलब उसी का एक पार्ट बोलेंगे। ये देखिए जी, यहाँ पर आपको फर्श में से भी जगह जगह से धुआं निकलता हुआ दिख जाएगा, फर्श भी बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए चलने के लिए लकड़ी के पट्टे और ये कारपेट रख रखे हैं। हमेशा की तरह नंदी महाराज आपको मिलेंगे और वो बाहर से दर्शन कराए थे, बाहर शिवलिंग है, शायद अंदर अलाउ नहीं है फोटोग्राफी, ये देखिए। और अभी हम नहाए धोए नहीं है तो इसलिए हम अंदर नहीं जाएंगे, बाहर से दर्शन करेंगे भगवान के। सभी अपने अपने चावल यहाँ पर बना के और प्रसाद के रूप में लेते हैं। मेन रास्ता है वो आप ये देख सकते हैं, सीढ़ियाँ आपको अंदर से आने पर पता चल जाएगा। और ये मेन रास्ता मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें भी देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर गणेश जी की, मतलब पूरा शिव परिवार की प्रतिमा दिख जाएगी आपको। ये बाहर आते ही ऐसे आपको प्रसाद की इनकी सबकी दुकानें में दिख जाएगी। ये पीछे की तरफ से रास्ता है अलग, ये देखिए मेन एंट्री है। और गुरुद्वारे के अंदर से भी मैंने बताया था, गुरुद्वारे के अंदर से उस साइड से रास्ता निकलता है, ATM भी है पीछे अगर आपको कैश वगैरह की ज़रूरत पड़े तो। और ये अब हम आ गए बाहर, ये देखिए जी बाहर आते ही एकदम से इतनी ठंड लगी है, ऊपर देखिए सनराइज़ होने वाला है और क्या व्यू है देखिए गाइस सुबह सुबह का। हमारे यहाँ ना बहुत ही अच्छा रहा,
बहुत सुकून मिला और सारी थकान उतर गई। कल हमने दिन भर यहाँ पे बस गुरुद्वारे में बैठे लंगर खाया, उसके बाद रेस्ट किया, सुबह जल्दी नींद खुल गई। अभी सुबह सुबह यहाँ पे सुबह का प्रसाद लिया, मतलब नाश्ता लिया, भोलेनाथ के दर्शन करें। अब निकलते हैं हम आगे के हमारी घर के लिए। वो सामने जो दिख रही है वो कार पार्किंग है, सेकंड फ्लोर पे हमारी कार पार्क है। बोलो श्री मनसा मैया की जय। लो जी, एक बार फिर से हम कसोल को क्रॉस करते हुए। अभी आपको वो रौनक देखने को नहीं मिलेगी जो शाम के टाइम और रात के टाइम होती है, क्योंकि सब पार्टी करके बैठे होंगे। देखो जी, अब ये सुबह होते ही यहाँ पे वोल्वो बस आना स्टार्ट हो चुकी है, बसेज आना स्टार्ट हो चुकी है, और देखो कैसे एक एक इंच की दूरी में ये निकालनी पड़ती है। कसोल के रास्ते में पड़ता है बहुत ही खूबसूरत एक गाँव मलाना। इसका कहते हैं वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है ये। ये सामने जो आपको पाइपलाइन दिख रही है ये हाइड्रो पावर है। गाँव में पानी पहुँचाने का बहुत बड़ा पंप लगा रखा है। ये नीचे की तरफ देखिए, मलाना इलेक्ट्रो हाइड्रो पावर, नदी में से पानी खींचते हैं। और इसका कोई मेरे हिसाब से रास्ता नहीं है, नीचे नीचे तक कार, उसके ऊपर गांव तक जाने के लिए आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। करीब 1 से 1.5 घंटे की ट्रैकिंग है। गाइस सुबह सुबह का देखिए नजारा, बाय बाय, कितनी सारी ये देखो। तो करीब 1 घंटे के सफर के बाद हमें सामने कुल्लू वैली दिखने लगी है, देख लीजिए। अब सीधा अपने को बाईपास से चंडीगढ़ हाईवे पकड़ना है। तो गाइज अभी पुलिस वालों ने हमें रोक लिया था और ऑलरेडी 2 गाड़ियां रोक रखी थी। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर ये गांजा वगैरह और इसका कुछ ट्रेंड ज़्यादा है, मोस्टली यूथ आते हैं ये कसोल में, ट्रेंड है बहुत है, किसी से छुपी भी नहीं है मतलब। तो वहाँ पर जो लेते हैं वो अपने साथ कारों में भी रख के ले आते हैं कि यार आगे काम आ जाएगा, और उन्हें पता नहीं होता कि आगे पुलिस वाले रोक लेंगे उनको। तो वही चेकिंग चल रही थी और शायद उनके पास मिल भी गया था, तो अब अच्छी वाली लगने वाली है उनकी। हमें भी रोका था, फैमिली साथ में थी, थोड़ी बहुत पूछताछ करी और उसके बाद छोड़ दिया। पिछले आधे घंटे से यहाँ पे कुछ पंगा हो गया है, ये बसों को शायद एंट्री नहीं देना चाह रहे हैं, यहाँ पर कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया कर गया, उसको लेके कुछ हड़ताल में बैठे हैं, देखिए ये पूरा। लो जी, हमने हाईवे पकड़ लिया है। करीब आधे घंटे तक वो लोग धरने पे बैठे थे, तो ये बाईपास यहाँ पे खत्म हो चुका है और सामने बिल्कुल सीधा मंडी है। और देखिए ये वाला जो रास्ता जा रहा है कुल्लू सिटी के अंदर है, तो आप भी हमेशा ध्यान रखना, यहाँ से सिटी के अंदर कभी मत घुसना, 1 से 2 घंटा आपका खराब हो जाएगा। हाँ जी, तो हम पहुंच चुके हैं और यहाँ से मैंने बच्चों के लिए थोड़े केले लिए। हाँ देता हूँ बेटा, शिवाय से वेट नहीं हो रहा केले के लिए। और ये हम टनल के अंदर एंटर कर रहे हैं, करीब 5 किलोमीटर की टनल है, और टनल बोलते हैं इसको। अच्छा, टनल जहाँ पे अभी एंड होगी ना, वहां से लेफ्ट अगर आप मुड़ जाओगे तो जीबी विलेज की साइड चल जाओगे, ये देखिए, और राइट अपना वही चंडीगढ़ हाईवे। और टनल क्रॉस कर ली है, जिस मैं जीबी विलेज के रास्ते की बात कर रहा था वो ये रहा, इधर की तरफ है देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे, और अपने को राइट चलना है चंडीगढ़ साइड पे। रोड से मैंने थोड़े बहुत केले ले लिए थे, तो बच्चे केले की पार्टी कर रहे हैं। अब आगे कहीं पर रोक के हम नाश्ता कम हमारा जो लंच है वो बना लेंगे। और टनल से मंडी के बीच में आपको अभी फिलहाल तो काफी दिक्कत होने वाली है गाड़ी चलाने में और सफर करने में, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे काम चल रहा है, बड़े बड़े फ्लाईओवर बन रहे हैं, पहाड़ के पहाड़ काट रहे हैं, कर रहे हैं। 2 से 3 साल में मेरे हिसाब से ऐसा हाईवे चमन हो जाएगा कि आपको मजा आने वाला है, मतलब आपका 1 से 1.5 घंटा बचने वाला है। देखो गाइस कितना बड़ा फ्लाईओवर बन रहा है यहाँ पे, और ये फ्लाईओवर सीधा कनेक्ट होगा टनल के अंदर, ऊपर के ऊपर गाड़ियां निकल जाएगी बाईपास से। देखिए देखिए, बिल्कुल नक्शा ही चेंज कर दिया इस रोड का। हाँ जी, तो ये देख लीजिए पंडो डैम, वहां पर खड़े होकर फोटोग्राफी करना अलाउ नहीं है, इसलिए यही से दिखा रहे हैं। अभी पानी बहुत है इसमें, हम अभी लास्ट टाइम निकले थे जब इतना पानी नहीं था। गाइस इतनी मस्त जगह मिली थी हमें, साइड में आराम से शेड वगैरह सब था, जैसे तैयारी चालू करी और ये वानर सेना आ गई। देखो अब रिस्क नहीं ले सकते, तो चलो अब आगे कहीं पर दूसरी जगह देखते हैं। देख लीजिए गाइस, मंडी सिटी हम क्रॉस कर रहे हैं, काफी बड़ी सिटी है मंडी भी, पर हम सब जगह से बाईपास से ही निकलेंगे। अंदर जाने का मतलब है 1 से 1.5 घंटा खराब करना। देखिए गाइस, ये है सुंदर नगर, मेन सिटी है, काफी बड़ा है यार, बहुत सारे शोरूम सब मिल जाएगा आपको। एक्चुअली क्या, सुंदर नगर हम आधा घंटा लेट पहुंचे हैं, क्योंकि पीछे मंडी के जो आउटर में बहुत लंबा जाम था, कम से कम 4 से 5 किलोमीटर। तो गाइस बहुत भाग दौड़ के बाद हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह मिली है, देखिए पीछे। रोड से थोड़ा अलग हटके है ये, मेन रोड पर नहीं है, और हमें ऐसी जगह की तलाश थी, वो भी जगह अच्छी थी लेकिन वहाँ पे बंदर आ गए थे। अब फटाफट कुछ ना कुछ बनाते हैं अच्छा सा और आगे गाड़ी खींचते हैं। तो चिक्की मैडम, आज क्या बन रहा है किचन में? आज बन रहा है मसाला डोसा। अरे वाह, क्या बात है। तो आलू चढ़ चुके हैं कुकर में मसाले के लिए चढ़ा है ना, और बाकी अंदर की स्टफिंग की सारे मसाले की तैयारी कर रही है। तो कुल मिला के मेन जो चीज़ है मसाला, उसकी तैयारी चल रही है। सांभर हम नहीं बनाएंगे, हमारे पास चटनियाँ हैं 2-3 तरह की, उससे काम चला लेंगे।
5 मिनट के अंदर हमारे आलू उबल चुके हैं और आलू छिलने का काम है अब मेरा। तो बस फटाफट आलू छिल के देता हूँ चिक्की को, जब तक चिक्की तैयारी करके दूसरी। ओहो, क्या स्पीड से चल, देखिए क्या स्पीड है, गरम है वो। मसाला फ्राई करने के लिए तेल चढ़ चुका है और इधर हमने आलू रेडी कर दिए है। ये डाला इसमें मसाला, हल्दी, धनिया पाउडर। तेरी नोज तो देख चुकी कैसी हो गई, लद्दाख में इसकी नाक जल गई है। भाई नज़ारा देखो, कहाँ जगह मिली हमें, पीछे गार्डन है। हालांकि गर्मी कह सकते हो यहाँ पर, सर्दी तो नहीं है, पर ठीक है यार, ऐसे नज़ारों में घर का बना हुआ खाना मिल जाए मतलब और क्या ही चाहिए, और वो भी मसाला डोसा साउथ इंडियन। तो हमारा मसाला रेडी है, अब बारी है डोसे की। अब हमारा डोसा बैटर बनने की तैयारी है। ये इंस्टेंट डोसा आता है इंदौर से लेकर आइए मैडम, स्पेशली हमारे लिए। भाई अब वेट नहीं हो रहा यार, जल्दी से खिला दे चिक्की। तो भैया ये चेरी के साइज का इन्होंने डोसा बनाया है और इसमें छोटे छोटे से डोसे में बढ़िया सा मसाला भर रहे हैं। अब देखो शिवाय से भी वेट नहीं हो रहा, खिलाते बेटा खिलाते हैं ना। डोसे के साथ हमने उत्पम की फरमाइश कर दी तो वो भी रेडी है मैडम के लिए। क्या बात है भाई, बिल्कुल बिल्कुल यार, मेरे उत्पम की बहुत इच्छा हो रही थी, कल मनाली में जो लिया था उससे मन नहीं भरा था, बहुत टेस्टी था। मैं बोला यार चिक्की बनाना, तो उसने बोला इससे उत्पम और डोसा दोनों बन जाते हैं। तो गाइस हम भी कम नहीं है, एक बार ट्राई जरूर करेंगे बनाने का। हम भी पीछे क्यों रहे हैं ना, पीछे तो अपन रहने वाले ही नहीं है भैया। हम सब बना सकते हैं, कपिल शर्मा नाम तो सुना ही होगा आपने, जरूरी थोड़ी ना गोली बनता है। कैसा लगा? हमेशा वाला जवाब मस्त लगा, मेरे से नहीं बैठा गाइस, झूठ नहीं बता रहा हूँ, पूरा तितर बितर हो गया, टूट गया फूट गया। ये साथ में हम चटनी भी लाए थे, नवरत्न चटनी है ना, हाँ। सॉर्ट की, तो अब उसका नंबर आया। वैसे ही अभी वाला मेनू था कल सेथन का, लेकिन वो हमारा लिखा नहीं था सेथन जाना और मौसम खराब हो गया था। तो गाइस अच्छा खासा लंच हो गया यहाँ पर, देखा होगा आपने मसाला डोसा और उत्पम, वैसे उत्पम ही ज्यादा खाया हमने और बहुत टेस्टी था यार। ये इस ट्रिप का आखिरी हमारा गाड़ी में बनाया हुआ फूड था, अब गाड़ी कहीं नहीं रुकेगी, सीधा हम यहाँ से निकलेंगे चंडीगढ़, और चंडीगढ़ से जितना टाइम बचेगा उतना हम ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे हम जयपुर तक तो पहुंच ही जाए आज रात को। ये बिलासपुर के बाद वाले रास्ते ने तो पका दिया यार, इतना जाम, इतने ट्रक्स, इतना ट्रैफिक, अब ये रोड अलग बन रही है इधर, मतलब जितना मनाली से बिलासपुर आने में नहीं लगा ना, उतना बिलासपुर के बाद हमें टाइम लग गया। लो जी फाइनली पहाड़ खत्म हुए, अच्छा हाईवे आ गया, अच्छे दिन शुरू हो गए, अब जल्दी से मेन हाईवे पे मिल जाए और गाड़ी खींचते हैं। ये वाला फ्लाईओवर आते जान में जान आती है गाइस, थोड़ा आते टाइम सब कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, सीधे धर्मशाला की साइड मुड़ जाता है, कोई किधर की साइड मुड़ जाता है, तो हमेशा ध्यान रखिए फ्लाईओवर मुड़ के ही मनाली का रास्ता कटता है। ये देखिए चाय का टाइम हो गया है, तो मैं हमेशा यहीं पर रुकता हूँ अगर कभी भी आता हूँ तो। चलिए यहाँ पर चाय पीते हैं, अब बनाने करने का पंगा तो खत्म हो गया है। तो गाइज यार बहुत थक गए थे, पहाड़ 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 बहुत हो गया, 15 दिन पहाड़। तो अभी हम यहाँ पे पीछे एक हवेली करके रेस्टोरेंट आता है, हवेली नाम से बहुत है इधर, चाय पीते हैं और सीधा अब आगे गाड़ी खींचते हैं अब, क्योंकि एक दो घंटा अपन लेट चल रहे हैं बिलासपुर के बाद, बहुत ट्रैफिक मिला हमें, थोड़ा फ्रेशअप वगैरह भी हो जाएंगे यहाँ पर। लो जी हमारा ग्रिल सैंडविच भी रेडी है, चलो खाओ, आपके साइज का बनाया मम्मी ने सैंडविच। ए नोटी बॉय, नाटी बॉय, नाइटी बॉय, नोटी नहीं नाटी बॉय। तो गाइस आधे घंटे का ब्रेक हो चुका है यहाँ पर, थोड़ा रिफ्रेश फील कर रहे हैं, अब सीधा गाड़ी खींचनी है हमें जहाँ मैक्सिमम से मैक्सिमम खींच सकते हैं। जयपुर ये बता रहा है 12:30-1 बजे, लेकिन मुझे लगता है आधा एक घंटा एक्स्ट्रा लगेगा, शायद मोहाली आ गया ये, एग्जैक्ट लोकेशन तो मुझे भी नहीं पड़ा। गाइस सामने तूफान आया जो देखो, आंधी, कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं। हाँ जी, तो ये हम क्रॉस कर रहे हैं अम्बाला, और ये अम्बाला का जो ये मेन गेट है इसी के पड़ोस में पड़ता है जग्गी सिटी सेंटर, हमारी सेकंड फेवरेट जगह, अगर हम पीछे हवेली पे नहीं रुकते तो यहाँ पे जरूर रुकते हैं। देखिए ये साइड में आएगा भाई साहब, ये हरियाणा रोडवेज वाला तो अच्छी अच्छी गाड़ियों को फेल कर रहा है, क्या कटिंग शटिंग मार रहे हैं यार, इसीलिए फेमस है हरियाणा रोडवेज, ये देखना आप यार, मतलब कोई सी भी गाड़ी इसके आगे नहीं टिक पा रही है, इतना फास्ट चला रहा है, इतना परफेक्ट चला रहा है ना ये ड्राइवर, ये देखो आप देखो
क्या कटिंग शटिंग मार के चला रहा है, मतलब मैं चल रहा हूँ अभी 100 पे, तो ये कम से कम ये 110-120 पे चल रहा होगा ये भी। गाइस देखो मौसम हमारे साथ साथ पीछे पीछे खतरनाक होता जा रहा है। ये सामने की तरफ एकदम साफ था और जिधर से हम आ रहे हैं ये देखो पूरा काला हो चुका है और इतनी तेज बिजलियाँ चमक रही है। देखो देखो अब फटाफट अपने को चलना पड़ेगा नहीं तो अटक जाएंगे। तो गाइस अभी हम पहुँचे हैं मुरथल और अब भूख लग रही है यार, बच्चे तो सो रहे हैं और मौसम बहुत ख़राब था, बहुत धीरे धीरे गाड़ी खींचनी पड़ी। तो गाइस यार अब डिनर करने के लिए रुके हैं, एक ढाबा है पीछे, क्योंकि मन्नत वगैरह सुखदेव वगैरह गर्म धर्म का उस दिन हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था। और सुखदेव मन्नत पे भीड़ देखो तो कम से कम 500 कारें पार्किंग में खड़ी थी। एक नया ढाबा हमने देखा है यहाँ पर, अच्छा लग रहा है, फैमिली रेस्टोरेंट है, यहाँ पे कुछ हल्का फुल्का खाते हैं और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। देखता हूँ आगे गाड़ी खींचूँगा नहीं खींचूँगा, रास्ते में कहीं पर रुक जाएंगे तो लद्दाख सीरीज़ यहीं पर एंड समझिए। जल्दी से जल्दी आपको कोई नई जगह लेके जाएंगे, तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखना, गुड नाइट। Thank you.